मेरे यहाँ धीरज कुमार पिता चंद्रभूषण राय वीरपुर, वो मेरे यहाँ स्टाफ के रूप में काम करता था एवरेडी ग्रेट वर्ट एजेंसी बेगूसराय चांदनी चौक बिशनपुर, और वो जो है मेरे यहाँ 4 साल काम किया। उसके बाद वो रियो का काम ले लिया और मेरा 25 लाख घोटाला कर। उसके बाद वो क्या किया, जो हमको सारा हावी होने के लिए उसका एक चचेरा भाई काम कर रहा था मेरे पास, उसके साथ वो मिल के मंगलवार को 19/10 को कारी चक लतराही में दोनों मिल के वीरपुर से प्लानिंग करके उसके साथ बैग दे दिया और पैसा जो भी था सब कुछ दे दिया और बोला लूट हो गया। और इसकी जानकारी वो थाना प्रभारी को तुरंत फ़ोन किया और मुझे भी किया। उसके बाद कल जब वो उसको पूरा CCTV फुटेज और उसका मोबाइल का दोनों का जब ये लोग मिला लोकेशन हुआ, तब वो दोनों को उठा करके SP साहब के यहाँ वो कबूल किया जो हम लिए हैं, सब बरामद हो गया, मेरा पैसा बैग जितना भी था। और इसको पकड़ाने के बाद हमको उसका जितना भी सरगना है, मतलब वो इससे पहले मेरा मर्डर करने का भी वो बनाया था प्लानिंग, जिसमें वो सफल नहीं रहा। वो अभी और कहाँ कहाँ हथियार रखा है, क्या है नहीं है, अभी पूछताछ और चल रहा है। और इसका जो है सो हम लोग जो है सो थोड़ा सा अभी ये हैं, तो वो तो अभी और उसका जांच चल रहा है। और वो रियो का जो काम लिया, वो सोचा जो मेरा ही पैसा से रियो का काम लिया और हम ही को चाहा जो इसको भगा देंगे। मेरा घर पर्रा हुआ, मेरा नाम शिवम सांडिल हुआ और मेरा एजेंसी चांदनी चौक बिशनपुर ललिता कम्प्लेक्स, वहीं पे मेरा एजेंसी है एवरेडी ग्रेट वाइट कंपनी का। और हम दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर का नाम है रंजीत जसवाल, एक शिवम सांडिल मेरा, दोनों पार्टनर मिल के हम एजेंसी चलाते हैं। आज तक हम 8 साल से काम किए हैं, कहीं कोई मुझे परेशानी नहीं हुआ। और ये दोनों को जब पकड़ाया है थाना में है, इसका जब से पकड़ाया है रात से इसका सरगना सब हमको कॉल कर रहा है, धमकी दे रहा है, कुछ और अनहोनी घटना मेरे साथ हो सकता है। इसकी सुरक्षा हम SP साहब से, नीतीश कुमार से, सब से हम मांग करते हैं जो मुझे सुरक्षा दिया जाए। अगर सुरक्षा नहीं दिया, 1 सप्ताह के अंदर जो है हमारा जान पर भी बहुत ज़्यादा खतरा है। इसको जो है हम मीडिया के माध्यम से सबको बताना चाहते हैं, जो भी होगा इसमें, जो भी मेरा अगर कुछ भी होता है इसमें, वही धीरज कुमार और उसका जितना भी सरगना है सब वही हमको ये करेगा या किया है। और ये बार बार धमकी आ रहा है, एकदम हमको रात से ही धमकी मिल रहा है ये पकड़ाने के बाद भी। मतलब ये कहिए जो आप जिनको अपने पास शरण दिए, हाँ, वही आपके साथ विश्वासघात कर रहा है। विश्वासघात किया। और इनका कहने का मतलब ये है, जो मेरे यहाँ स्टाफ रहता था और हम उसको डीलिंग के लिए कहीं भेजे थे संजात की तरफ, और वह रास्ते में अपने दोस्त से मिलकर सारी सामान और डायरी और कितना रुपया था, 42,000 रुपया और जो भी कीमती कीमती सामान था, कितना का सामान था, सामान मोबाइल था और वो कितना पैसा था? मोबाइल होगा 10,000 का और वो पैसा था, 10,000 का मोबाइल, 42,000 रुपया और डायरी जो पिस्टल के नोक पर छीन लिया, वो भी अपने साजिश की तरह अपने दोस्तों को दे दिया और झूठे के आरोप लगाकर मालिक को फोन करके बताता है हमें पिस्टल के बल पे हमसे सारा सामान छीन लिया गया है। जब उसके ऊपर दबाव आया, जब उसके ऊपर प्रशासन अपना रूप से उसके साथ व्यवहार किए, तब वो कबूल किया, हाँ हम अपना रुपया मोबाइल जो भी सामान था वो हम मिल के, मतलब ये साजिश अपने घर में रख लिए और बोले जो हम साजिश अपने आप में साजिश कर रहे थे। तो ऐसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिनको एक स्टाफ के थ्रू, जो स्टाफ के थ्रू जिनको शरण दिया जा रहा है, वो ही अपने आप में विश्वासघात करते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने का काम करते हैं। तो आप क्या ऊपर कुछ मांग कर रहे हैं क्या? हम यही मांग करेंगे सरकार से, SP साहब बेगूसराय SP साहब से, DM साहब से, जो हमको सुरक्षा दिया जाए जिस तरह से हो, और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा हो। और जो मुझे अभी तक धमकी दे रहा है उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास बहुत है, गोली मार देंगे। उसके बाद पकड़ाने के बाद हमको धमकी आया है, वो सारा मेरे पास रिकॉर्डिंग है, हमको सुरक्षा दिया जाए। आप बिजनेसमैन हैं जी, आप एजेंसी का मालिक हैं जी, और आप एजेंसी चलाते हैं,
आपको तो मतलब ये सब एजेंसी चला रहे हैं तो आपके ऊपर फिर दबाव भी दिया जा रहा है क्या? जी, क्या जी, दबाव दिया जा रहा है जो मतलब आप हमें मतलब छुड़वा दीजिए और पैसा दो 10 लाख रुपया, नहीं तो मार देंगे। देखिए इनके ऊपर दबाव दिया जा रहा है और बोला जा रहा है आप हमें 10 लाख रुपया दीजिए नहीं तो आपको जान से मार देंगे। तो केस भी अभी तुरंत छोड़वा उसको थाना से, ये भी बोल रहा है। मेरे पास सारा सबूत है, सारा रिकॉर्ड, इनका पक्ष सुन लिए, ये सारा सबूत कॉल रिकॉर्डिंग जो भी है ये देने के लिए तैयार है। तो ठीक है, अब हम आगे एजेंसी के दूसरे जो पार्टनर हैं, जो मालिक हैं, उनसे हम खास बातचीत करते हैं। सर क्या घटना घटी है और किस लिए आप सब परेशान हैं? सर परेशान हैं हम इसलिए कि जो हम गए हुए थे कलकत्ता अपोलो, जिस दिन ये घटना हुआ तो उस दिन मेरा पार्टनर यहाँ पर जी, मेरा नाम हुआ रंजीत जायसवाल, हम ग्रेट व्हाइट एवर रेडी एजेंसी का मालिक हैं। धीरज जो मेरा स्टाफ था वो मेरे यहाँ 4-5 साल से काम करता था, वो बीच में कितना घोटाला किया उसका सब पूरा रिकॉर्ड निकाल रहे हैं हम लोग। उसको 2 महीना पहले जब गड़बड़ी में पकड़ा गया तो हम लोग हटा दिए काम से। उसके बाद उसका चचेरा जो भाई है वो मेरे यहाँ कर ही रहा था, उसको 19 तारीख को भेजे बीट में गया संजा, उधर से सब दुकानदार से कलेक्शन करते हुए आया। जब ये फुलकारी पार किया है, कारी चक और फुलकारी के बीच में बोलता है कि मेरे से लूट हो गया, पिस्टल सटा के 3 आदमी हाफ पेंट में आया लूट कर लिया। तो हम लोग वही बात सोच के उस दिन से छानबीन में लगे हुए हैं, खोज खबर में लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग को कोई खबर नहीं मिला। पूरा CCTV फुटेज उठाए, सब जगह किए, कुछ नहीं मिला। फिर थाना प्रभारी कल जाके पूछताछ सख्ती से उसको किए हैं, तब जाके वो कबूल किया कि हाँ हम और मेरा भाई धीरज दोनों मिलकर इस घटना को अंजाम दिए हैं। उनका घर ले गया, घर से पैसा, डायरी फेंका है नदी में, मोबाइल बरामद हुआ, सारा कुछ बरामद हुआ है। और उसके वजह से अभी हम लोग का बीरपुर से माफिया लोग को फोन आ रहा है कि उसको छुड़ा दो नहीं तो तुम्हारा साथ ठीक नहीं होगा, अंजाम ठीक नहीं होगा। कल को वो जेल जाता है, कुछ होता है, अगर मेरे साथ कोई भी घटना होता है उसका जिम्मेदार धीरज होगा, श्याम होगा, जो पकड़ा नीरज होगा। क्योंकि हमारे ऊपर पूरा प्रेशर है, मेरा लड़का बीट में चारों तरफ जाता है, हर रूट में बीट में जाता है, कल को किसी भी के साथ छिनते हो सकता है। फिर थाना प्रभारी से हमको मांग है, SP साहब से मांग है कि हमको प्रोटेक्शन दिया जाए, हमको सुरक्षित किया जाए ताकि हम अपना बिजनेस कर पाए, अच्छा से बिजनेस कर पाए। 500 दुकानदार है मेरे पास, 500 रिटेलर भाई है मेरे पास, जिनको हम सेवा देते हैं, काम करते हैं। तो थाना प्रभारी और SP साहब से अनुरोध है कि मुझे अच्छा से अच्छा सुरक्षा दिया जाए कि ताकि हम काम करें, सब दिन अच्छा से जिए, खाएं, अच्छा से रहें, और यही बोलेंगे और क्या बोल सकते हैं। तो ठीक है, ऐसा व्यक्ति से आप भी सुरक्षित रहें जो अपने आप में जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, ऐसे व्यक्ति से बच के रहें। इनके साथ जो घटना घटा है वो कल के आपके साथ भी ना घटे।